जो पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास पाठ के पद पढ़े, आगे के पद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। आप ये जो पद हम पढ़ेंगे, इसमें लक्ष्मण जब परशुराम की बात सुनते हैं तो उनको क्या जवाब दे रहे हैं वह बताया गया है। तुम है तो कार्त है तुम तो कालू हाक जनु लावा, कालू हाक का मतलब मृत्यु को बुलाना। तो लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप बार बार मेरी मृत्यु को बुला लाएंगे, काल को हाक लाएंगे। बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मेरी मृत्यु को पुकार रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुना। परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, सुधारी मतलब धारण करना, पकड़ लेना, घोरा मतलब मजबूती से। जब लक्ष्मण की बातें परशुराम ने सुनी तो वह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने बरसे को और भी मजबूती से पकड़ लिया। अब जनी देही दोसु मोहि लागू, अब परशुराम बोलते हैं जनी का अर्थ है लोग, देही मतलब देना, दोसु मतलब दोष, मोहि का अर्थ है मुझे, लागू मतलब लगे। परशुराम बोलते हैं मुझे कोई भी दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगू, कटुवादी मतलब कड़वे वचन, बद जोगू मतलब बद के योग्य। परशुराम लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर बोलते हैं कि अब मुझे कोई दोष मत देना, यह बालक अपने कटु वचनों के कारण बद योग्य हो गया है। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, बाल बिलोकी मतलब बालक समझकर, बाँचा मतलब बचाया, बालक समझकर मैं अब तक इसे सोच छोड़ रहा था। अब यह मरनी हार बा साँचा, अब यह मरनी हार मतलब मरेगा, साँचा मतलब सच में, कि जिस बालक है मैं इसे बालक समझकर छोड़ रहा था लेकिन अब ये सच में मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहाँ क्षमिय अपराधु, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। आप विश्वामित्र से परशुराम कह रहे हैं कि मैं आपके कारण इसके क्षमिय मतलब क्षमा कर रहा था इसकी गलतियों को। बाल दोष गुण गन ही न साधु, परशुराम जी कह रहे हैं कि हे साधु, आपको ये बालकों के साथ ऐसा व्यवहार करना एक साधु को शोभा नहीं देता है। खर कुठार में अकुरन को ही, बिना कारण ही आपको ये नहीं करना चाहिए। तो परशुराम कह रहे हैं कि मैं बिना कारण नहीं कर रहा हूँ। आगे अपराधी गुरु द्रोही, मेरे सामने जो मेरा गुरु का द्रोही है वह खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ऊ बिन मारे, अगर मैं इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र अब तक मैंने अपने, ये जो विश्वामित्र आप हैं उनकी वजह से मैंने छोड़ रखा था लेकिन अब मेरे सामने गुरु का द्रोही है, अब मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। न त एही काटी कुठार कठोरे, अब नहीं तो मैं अब तक इसको एक ही कुठार है अपने फरसे के एक ही वार से समाप्त कर देता। गुर ही उऋण होते हुए श्रम थोरे, और मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। तो इस पद में हमने पढ़ा कि विश्वामित्र परशुराम को समझा रहे हैं कि ऐसे साधु संत को क्रोध करना शोभा नहीं देता है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। तो विश्वामित्र को परशुराम कह रहे हैं कि मैंने अब तक आपके कारण ही इसे छोड़ रखा था, नहीं तो ये गुरु द्रोही है और मैं अपने फरसे से अभी तक इसका नाश कर देता। गांधी सुनो कह हृदय हसी, मुनि ही हरी अरई सूज, अय मय खांड न उखमय अजहू न भोज अभोज। अब यहाँ पे विश्वामित्र बोल रहे हैं अपने मन में, गांधी सुनो मतलब विश्वामित्र, हृदय हसी हृदय में हंसना, मुनि ही का अर्थ है गुरु, हरई मतलब हरियाली, सूज मतलब दिखाई देना, अय मय खांड मतलब चीनी के लिए आया है, उखमय गन्ने को कहते हैं, अजहू न भोज अभोज। गांधी सुन कह हृदय हसी, जो विश्वामित्र है
परशुराम की बातें सुनकर मन में हंस रहे हैं। मुनि हरई हंसी और सोच रहे हैं कि मुनि को सब तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है, मतलब वो अपने आप पे ही घमंड कर रहे हैं। अय मैं खांड न उखमय, यह है जो बालक है वो गन्ना नहीं है जिससे वो खांड बनती है। अजहू न भूज अभूज, यह बहुत महान बालक है, इन्होंने कई राक्षसों का नाश करा है, परंतु मुनि इन बात से बेखबर है और वह अपने ही बारे में प्रशंसा करे जा रहे हैं। आगे है, कहेहू लखन मुनि सील तुम्हारा। अब लक्ष्मण कह रहे हैं, हे मुनि, हम है ना जो आपके जो सील है, शांत स्वभाव है, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता है, पूरा संसार जानता है आपके सील स्वभाव के बारे में। माता पिता ही उरिन भय नीके, उरिन मतलब ऋण से मुक्त हो जाना, नीके मतलब अच्छी तरह, जो आपके माता पिता है वो ऋण से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, और अब आप पर गुरु का ऋण बचा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सो जनु हम रे ही माथे काड़ा, और जो दोष हमारे सिर पे आप मंड रहे हैं। दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा, जो दोष हम हमारे ऊपर आप मंड रहे हैं कि गुरु के द्रोही हमें समझ रहे हैं, तो अब भी आप पर गुरु का ऋण है तो वो भी काफ़ी बढ़ गया होगा, उसका ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव थैली में खोली। तो लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं, आप मुझे बताइए कितना ब्याज बढ़ गया है, मैं तुरंत थैली को खोलकर अपनी थैली में से आपका जो ब्याज है वो मैं आपको लौटा देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी कटु वचन करते कठोर वचन सुनकर कुठार सुधारा मतलब फरसे को मजबूती से पकड़ लेना। परशुराम ने जब लक्ष्मण के कठोर वचन सुने तो उन्होंने अपने फरसे को मजबूती से पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा में हाहाकार मच गया क्योंकि लक्ष्मण परशुराम को कठोर वचन कह रहे थे और परशुराम को और भी क्रोध आ गया। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, भृगुबर मतलब परशुराम के लिए आया है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे परशुराम, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारे बचहु नृप दोही, और जो मैं आपको ब्राह्मण समझ कर छोड़ रहा हूँ अभी तक, तो मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, मिले न कबहु मतलब कभी नहीं मिले हैं, सुभट मतलब वीर पुरुष, रण गाड़े मतलब रण क्षेत्र में। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, आप आज से पहले रण क्षेत्र में किसी वीर पुरुष से नहीं मिले हैं। द्विज देवता धरई के बाड़े, सारे ब्राह्मण देवता जो भी है जितने भी हैं सभी जानते हैं कि जो वीर होते हैं वह युद्ध क्षेत्र में युद्ध की बातें करते हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सभा में हाहाकार मच गया और सब कहने लगे कि सब अनुचित हो रहा है। रघुपति सयन ही लखनु नेवारे, रघुपति जो श्री राम है वो लक्ष्मण की तरफ इशारे से चुप रहने के लिए उन्हें कहते हैं। तो इस पद में हमने पढ़ा परशुराम की कठोर वचनों का लक्ष्मण जवाब देते हैं, तो लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और फरसे को पकड़ लेते हैं, इससे सभा में हाहाकार मच जाता है। तो श्री राम लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहते हैं। और आगे है, लखन उतर आही आहुति सरिस भृगुवर कोपु क्रसानु, लक्ष्मण के जो वचन है वो आग में आहुति का काम कर रहे थे, तो जो श्री राम है आगे कहते हैं, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। बढ़त देखी मतलब बढ़ता हुआ देखकर, जल सम मतलब जल के समान, वचन का मतलब है बोल, रघुकुल भानु जो सूर्य कुल के वंश श्री राम है, उन्होंने देखा लक्ष्मण की बातों से जो आग में घी के समान काम कर रही है परशुराम का क्रोध और बढ़ा रही है, तो बातों को बढ़ता देखकर उन्होंने लक्ष्मण को चुप होने को बोला और परशुराम को अपने मधुर वचनों से शांत करने की कोशिश की। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में कि रामचरितमानस से लिया गया है, जब धनुष भंग हो गया तो परशुराम क्रोधित होकर बोल रहे थे और लक्ष्मण ने उनके व्यंग बाणों का
व्यंग वचनों का क्या जवाब दिया, ये सब बताया गया है। और यहाँ पर राम के शील स्वभाव के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने जो परशुराम है उनका क्रोध शांत किया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पाठ यहाँ पूरा हो गया है, पाठ 2 तुलसीदास।